नमस्कार, आर्य बाल कल्याण केंद्र के इस प्रोग्राम के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शनि इतवार के दिन आप सुबह अपना समय निकाल के आए और जो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये प्रोग्राम हम आर्य बाल कल्याण केंद्र के लिए कर रहे हैं और आज का विषय होगा कोविड के समय में तनाव और उससे कैसे हम उभर सकते हैं। ये प्रोग्राम एक्चुअली एक सप्ताह एक एसोसिएशन है एनजीओ आकी के नाम से, एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन इंडिया। इसके इस एनजीओ को 2007 में डॉक्टर स्वाति भावे ने शुरू कराया था और वो इसकी ऑनरेरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनके पिता डॉक्टर लेले इसके चेयरपर्सन और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और हम सब लोग वॉलंटियर करते हैं। मोस्टली एडोलेसेंट्स यानी जो किशोर और किशोरियां हैं उनसे बात करने, उनसे और उनके उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए और उनको सहायता जब चाहिए होती है तो सहायता देने के लिए हम टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी आम लोगों के साथ भी जुड़ के किशोर और किशोरियों के लिए और बच्चों के लिए काम करते हैं। हम ये तो दो पिलर्स होते हैं जहाँ हम टीचर्स और पेरेंट्स को यूज़ करते हैं और बच्चों के लिए एडोलेसेंस से काम कर की मदद करने के लिए। अब हमने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों को भी जोड़ा हुआ है ताकि एक परिवार किसी भी बच्चे के प्रॉपर परवरिश के लिए पूरे परिवार की ज़रूरत होती है। कहावत है ना कि एक बच्चे को बड़ा करने में और उसको सही परवरिश देने में एक पूरा गांव लग जाता है। पुराना ज़माना था जब हम सारे चाचा चाची सब जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, किसी ना किसी से बच्चे को कई तरह की सीखें मिल जाती थी। और अब जब लोग काम करने के लिए इधर उधर दूसरी जगह चले जाते हैं तो सब माँ बाप के साथ अकेले होते हैं, कई बार सबके सब सुबह गए और शाम को वापस आते हैं। तो इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें सीख जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो कम रह जाती है, कम पड़ जाती है। इसीलिए ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी और हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट नॉर्मली अपने को एडोलेसेंट पीडियाट्रिशियन भी मानते हैं क्योंकि हम जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों की देखभाल करते हैं। मैं अपने प्रधान जी यहाँ पे श्री अशोक आर्या जी जो हैं उनके उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके और मंत्री जी की मदद के बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। और आज मैंने उनको मुख्य अतिथि के रूप में इधर इन्वाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि वो हमें हमारे पास दो शब्द हमारे लिए प्रधान जी उपस्थित सज्जनों एवं आभासीय वर्चुअल रूप में जुड़े सभी महानुभाव, जैसा कि आपको बोल भी देते हैं आज आर्य बाल कल्याण केंद्र आर्य समाज भीम नगर में AAICR NCR की ओर से AACCI NCR सेंटर की ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ से हमारे बीच डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर प्रेमलता जी पधार चुके हैं, अन्य डॉक्टर साहबान भी अभी आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको आर्य बाल कल्याण केंद्र की रूपरेखा देना चाहता हूँ। आर्य बाल कल्याण केंद्र की स्थापना आज से 37 वर्ष पूर्व इसी आर्य समाज भीम नगर के प्रांगण में हुई थी। शुरू में प्रारंभ में डॉक्टर नागपाल जी आए, दो साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात
पिछले 35 वर्षों से डॉक्टर प्रेमलता कृष्णन जी जो प्रसिद्ध बाल चिकित्सक हैं और 35 वर्षों से जो है लगातार निरंतर बिना मौसम की परवाह किए हुए बिना परिस्थितियों को देखे हुए यहाँ पहुँच दिए हैं और उन्हीं के साथ डॉक्टर सुनीता मनचंदा जी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती हैं। तो इनके अतिरिक्त डॉक्टर प्रीता माथुर, डॉक्टर विंसी वर्गीज, डॉक्टर पूनम नंदा जी, डॉक्टर कालरा जी, डॉक्टर स्मिता खाचने और हमारा जो स्टाफ है पूनम शर्मा जी, पूनम जी, विनोद जी, परवीन जी, गुलचंद कालरा जी, आशा जी, सभी मिलकर के हमारा सहयोग करते हैं। हमारे मंत्री जी डॉक्टर श्री नरेंद्र आर्य जी जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और मुंजाल जी श्री नानक चंद जी मुंजाल जो आर्य समाज के उपप्रधान हैं उनका भी सहयोग प्रति सप्ताह हमें मिलता है। अब अधिक न कहते हुए मैं आज के जो कार्यक्रम है उसका विषय है कि जो किशोर हैं या जो बाल्यावस्था में हैं उनके ऊपर जो आजकल मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, सामाजिक तनाव है, उसको हम किस प्रकार से कोप करें, कैसे दूर करें, कैसे उनका सहयोग करें। एक डॉक्टर स्टैनले हॉल हुए हैं, उन्होंने किशोरावस्था को एक छोटी सी लाइन में पूरा विस्तृत रूप दे दिया कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, दबाव होता है इसमें, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं और जो हमारा समाज है वो बंद समाज है, क्लोज सोसाइटी है, उन शारीरिक परिवर्तनों को बच्चा किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, उसको अश्लीलता माना जाता है और वो अपने मन में उन द्वंद्वों को लेकर के बड़ा होता रहता है। और बहुत से युवक ऐसे हैं जो विवाह नहीं करते क्योंकि उनको उस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जाता। बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं ज्ञान की कमी की वजह से। सड़कों पर बहुत से लोग पुस्तकें बेच रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ बेच रहे हैं और वो भी उन लोगों को गुमराह करते हैं। दूसरा, इमोशनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बच्चे हर्ट हो जाते हैं, अगर उनकी बात ना मानी जाए उस पर भी उनको परेशानी होती है। वो समझते हैं कि आई एम नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट, कि ना तो मैं बालक हूँ ना मैं बड़ा हूँ, मैं तो बीच में फंस गया, अब मुझे आंटी गोदी में भी नहीं बिठाती, मम्मी भी मेरे साथ बातें नहीं करती, मेरे को सब परे हटाते हैं और बड़ा भी नहीं हूँ, कोई भी डिसीजन जो है मेरी उपस्थिति में लेने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। इस तरह से ये परेशानियाँ तो जनरल है, लेकिन जब से ये कोविड हुआ, कोरोना हुआ, ये 2020 से मार्च से प्रारंभ हुआ, प्रारंभ तो दिसंबर 2019 से ही हो गया था लेकिन हमारे देश में ये मार्च में आया और तब से तो मानो बच्चों की और किशोरों की दुर्गति सी हो गई। स्कूल बंद हो गए और खेल के मैदान बंद हो गए, पार्क बंद हो गए, बच्चे जाएँ तो जाए ना, घर में सारा दिन बैठ के इरीटेट होते हैं, जाने लगते हैं तो पेरेंट्स बाहर ताले लगा देते थे कि बाहर नहीं जाना, तो बच्चों के मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पढ़ाई ऑनलाइन सिस्टम से कराई गई, ऑनलाइन सिस्टम में हम यूज टू नहीं हैं, आज भी माननीय खन्ना जी के सौजन्य से ये ऑनलाइन सिस्टम हो पा रहा है, अदरवाइज तो शायद हम सोच रहे थे कि कैसे किया जाए। और फिजिकल जब बुलाया जाता है तो आज हमने बहुत सारे इन्विटेशन दिए थे लेकिन बहुत कम हाजिरी हुई, उसका भी सीधा सा आंसर है
कि कोविड की वजह से लोग अभी भय खाते हैं, भय खाना भी चाहिए। तो इस तरह से जो बालकों के अंदर स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उनको दूर करने के लिए आज की वर्कशॉप है या सेमिनार जो भी आप समझ लो। और इसमें आज जो वक्ता गण आ रहे हैं डॉक्टर सविता जी और आज के जो मुख्य वक्ता हैं आचार्य वागीश जी, गुरुकुल एटा के वाइस चांसलर हैं और आर्य समाज के एक बहुत बड़ा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, विश्व के कई देशों में उनका प्रवचन होता है और बड़े व्यस्त समय से मेरे अनुरोध पर उन्होंने आधे घंटे के लिए हमें स्वीकृति दी है 10:15 से 11:45 तक। वो वैसे हमारे साथ YouTube में अब जुड़ चुके हैं, आप उनको देख पा रहे होंगे और 10:15 से 11:45 तक उनका बड़ा ओजस्वी प्रवचन होगा और विषय यही रहेगा कि जो बालकों और किशोरों में मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, संवेदात्मक जो तनाव है उस पर जो है वो अपना विचार प्रकट करेंगे। मैं थोड़ा सा आर्य बाल कल्याण केंद्र का प्रधान होने के नाते जो यहाँ का डेडिकेटेड स्टाफ है उनका धन्यवाद ना करूँ तो ये कृतज्ञता होगी, विशेषकर डॉक्टर पैनमेता कृष्णन जी, डॉक्टर सुनीता मनचंदा जी, रीता जी, तुलसी वर्गीस जी, कालरा जी, स्मिता जी और जो पूर्व में डॉक्टर हमारे यहाँ सेवा कर गए। और एक बात और बताऊँ, हम प्रत्येक वर्ष सितंबर मास में एक शिविर का, निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर पधारते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम निःशुल्क है, कोई सभी डॉक्टर वैतनिक हैं, किसी किस्म का मानदेय नहीं दिया जाता, अपनी गाड़ियों से अपना पेट्रोल खर्च करके अपने नींद को ख़राब करके, क्योंकि डॉक्टर लोग 2 बजे तक बहुत काम करते हैं, 5 बजे फिर क्लिनिक चलाना होता है, 3 घंटे जो उनकी नींद के होते हैं वारिस पर भीम नगर, तो उनका जितना भी सहयोग हमें मिल रहा है इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आपसे एक प्रार्थना, जो लोग भी चुके हुए हैं एक बार शनिवार को, किसी भी शनिवार को, ये 7 तारीख से हम दोबारा से डिस्पेंसरी शुरू कर रहे हैं 7 अगस्त से, तो आप 2 से 4 के बीच में अवश्य हैं। और अगर कोई बच्चा बीमार हो, बच्चों के अलावा हमारे यहाँ कुछ बड़ों के लिए भी विशिष्ट डॉक्टर आते हैं, तो आप अवश्य वह आएँ। एक बार आप सभी का धन्यवाद, विशेषकर आचार्य वागीश जी का, उनके प्रवचन के बाद एक बार मैं पुनः उनका धन्यवाद करूँगा। आप डॉक्टर साहब से कैसे गुजरना है, ये सब बच्चों के बीच में काम करके ये फर्स्ट हैंड अपने
बाद अजय राजेश जी हमें जिंदगी का एक पूरा पहलू देंगे, उनसे तो हमें भी सीखना है बहुत कुछ। हम तो उनकी बात सुनने के लिए प्राइमरी आज मुख्य वक्ता वही होंगे। और अंत में हमारी जो NCR की कोऑर्डिनेटर है और इंचार्ज है आते की इस पूरे एरिया की डॉक्टर सुमिता मनचंदा, और जो मेरी सहयोगी है इस क्लिनिक को चलाने में, उन को बात करेंगे तनाव से उभरने के बारे में और इस प्रोग्राम को राउंड ऑफ करेंगे। मंत्री जी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना, हारना सीखना।
आ गए, एक कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठ के ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हुई? कभी तो टेक्निकल इश्यूज हैं, कभी लाइट नहीं है, कभी कंप्यूटर नहीं है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, कितनी सारी दिक्कतें। इसके अलावा टीचर से कोई कनेक्ट नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्ट नहीं है, तो बच्चे उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, तो समझदारी में भी थोड़ी सी, समझ आने में भी थोड़ी दिक्कत हुई। अपने हम उम्र के लोगों से नहीं मिल पा रहे, अपनी दिक्कतें उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, या घर में कोई शोर शराबा है, डिस्ट्रैक्शन है, तो ऑनलाइन लर्निंग की वजह से स्ट्रेस हुआ। नंबर टू, बाहर ना जाने से जो वो अपने मतलब व्यायाम नहीं कर पा रहे, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, ठीक से सो नहीं पा रहे, उसके कारण भी उनके जीवन में स्ट्रेस हुआ। नंबर तीन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये सेकेंड वेव आई तो हमने देखा चारों तरफ बहुत तबाही मची है ना, तो बच्चों ने क्या सुना? टीवी खोलते थे तो क्या सुनते थे? कोरोना से डेथ। अखबार खोलते हैं तो कोरोना, माँ बाप भी बात कर रहे हैं तो कोरोना, आज पड़ोस में क्या हो रहा है? कोरोना कोरोना कोरोना। तो क्या हुआ, बच्चों के दिमाग पर इस कोरोना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव दे दिया। अब जब इस तरह का तनाव बच्चों को होता है तो क्या होता है, तो इसको जानने के लिए मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाऊंगी। इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपने एग्जाम दिया है और आपका कोई बहुत ज़रूरी रिजल्ट आने वाला है ना, तो उस रिजल्ट आने से पहले क्या सिचुएशन होती है? कोई बताएगा क्या सिचुएशन होती है? घबराहट होती है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, सांस फूलने लगता है। मेरा तो मैथ्स का पेपर बहुत खराब हुआ तो मैं तो पक्का फेल हो जाऊँगी है ना, या वो सहेली कि मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, या मैं मेरे माता पिता इतने कम नंबरों को देखकर मुझे क्या कहेंगे। ये एक सिचुएशन जो होती है ना, इसको बॉडी का एक रिस्पॉन्स कहते हैं, फाइट फिनोमेना। जब भी कोई स्ट्रेस या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हम फेस करते हैं तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, और इस रिस्पॉन्स का एक अगर हम इंग्लिश टर्म दें, साइंटिफिक टर्म दें, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट रिस्पॉन्स मतलब बॉडी अपने आप को चार्ज कर लेती है उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए, और फ्लाइट मतलब बॉडी इग्नोर करती है उसको, उससे दूर भागती है। अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक चले, यही वाली आपकी जब रिजल्ट आता है तो आप काम डाउन हो जाते हो है ना, धड़कन भी काबू में आ जाती है, आपके पसीने भी बंद हो जाते हैं, लेकिन यही स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चलता रहे तो बॉडी एग्जॉशन की स्थिति में आ जाती है, बर्नआउट यानी कि जवाब देने लगती है, और बॉडी के सारे सिस्टम्स पे उसका असर पड़ता है। मैंने बचपन में सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का अंतर होता है, चिंता चिता है, यानी कोई भी चिंता होती है वो सिर से लेकर पांव तक आपको आप पर असर करती है, और यही बच्चों के साथ भी हुआ। जब हम क्लिनिक में थे, ऑनलाइन तो हम उनसे कंसल्टेशन कर ही रहे थे, तो क्या हम देखने को मिलता था कि रोज़ ही कोई ना कोई बच्चा फ़ोन कर देता था कि मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं, कहीं मेरे पेरेंट्स को तो नहीं हो जाएगा। मैं एक टीनेजर क्लिनिक चलाती हूँ मतलब एडोलेसेंस का, और ऑलमोस्ट रोज़ मुझे 3 से 4 ऐसी कॉल्स आती थी जिसमें वो अपने लक्षण बताते थे, फिजिकल सिम्टम्स जो मुझे भी समझ में आ रहा है कि तनाव के कारण हो रहे हैं। तो क्या थे वो फिजिकल सिम्टम्स? सिर में दर्द होना बार बार, आँखों में दर्द होना, शरीर में अकड़न आना, बॉडी एक सोना जिनका कोई मतलब हमें रीज़न नहीं समझ में आ रहा था, तेज धड़कन होना या इरेगुलर हार्ट बीट होना, और बार बार पेट में दर्द होना, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इतने सारे सिम्टम्स थे, मतलब ये सारे सिम्टम्स थे, और इसके अलावा भूख ना लगना, नींद ना आना, घबराहट होना, चक्कर आना, क्योंकि सारा टाइम हम तनाव के माहौल में घूम रहे हैं। जब बच्चे खाना नहीं खाएंगे, ठीक से सो नहीं पाएंगे, और सोएंगे भी तो बुरे सपनों से उनकी नींद खुल जा रही थी, अगर ये सब होगा तो क्या होगा, उनकी सेहत पर बुरा असर होगा। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, वो क्या हुई? उसके कारण बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हुई, और क्योंकि इम्यूनिटी वीक हुई तो बार बार उनको खांसी, जुकाम, दस्त, बुखार, ये सारी बीमारियां होनी शुरू हुई। और इसमें मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी उन बच्चों का जो अस्थमा या दमा के मरीज थे, उनमें दमा के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एलर्जी वाले केसेस में एलर्जी की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अभी समझ ये सारा जो तनाव के कारण हो रहा है सब बच्चों। तो जब इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में आते हैं तो हम क्या करें? तो क्या इनका ट्रीटमेंट ना करें, इन्हें छोड़ दें, क्योंकि ये तो कोविड की वजह से है? नहीं, इसका तो इस तरह के सिम्टम्स का तो डबल ट्रीटमेंट बनता है। पहला तो ट्रीटमेंट किस चीज़ का, कि जो उनको सिम्टम्स हैं, अगर आप में से कोई भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ
साथ इस तरह के सिम्टम्स देखे, ऑफकोर्स इसके बड़े सारे मानसिक पहलू भी हैं, बहुत सारे मानसिक तनाव भी बच्चों को होते हैं जिसके बारे में डॉक्टर सुनीता आपको बताएंगी, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स अगर आप इस तरह के देख रहे हैं तो आप डॉक्टरी सलाह अवश्य लें और उनका ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन इसके साथ साथ जिस कारण से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तनाव, स्ट्रेस, उसको भी दूर करना है। तो क्योंकि मैं टीनेजर क्लिनिक चलाती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ जुड़कर ही इसका कुछ इलाज निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए कि जो इतना तनाव हो रहा है उससे दूर रहने के लिए हम क्या करें। तो बच्चों के साथ मिलकर पिछले साल मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। इस हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में हमने 6 मेन बातों को फोकस में रखा और करीब 350 टीनेजर्स के साथ मैं जुड़ी और इसको हमने 6 महीने तक चलाया और आज भी हम इसको चला रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे आते हैं हम उनको इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। इसमें जो पहली चीज़ हमने जिस पर फोकस किया वो था डाइट, पोषण, न्यूट्रिशन। हुआ क्या, स्कूल न जाने की वजह से सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई, बच्चे घर में हैं, लेट उठते हैं, लेट खाना खाते हैं, कभी लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ हो जाता है, ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के उनको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम डाइट को, मतलब पोषण को, कि क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है उस पर हम ध्यान दें। क्या खाना है हमें तो है ही, हमें पता है कि हमें एक संतुलित आहार या बैलेंस डाइट एज पर एज लेना है। तो बच्चों को हमने उसके लिए एजुकेट किया क्योंकि आजकल सारे इन्फॉर्मेशन बुक्स और इंटरनेट पर मौजूद है, आप जान सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है और किस खाने में कितनी कैलोरी या प्रोटीन मौजूद है। तो ये है। और दूसरा हमने बताया कि कैसे खाना है, यानी कि हमें सबको एक साथ बैठ के खाना खाना है। टीवी के आगे अगर आप बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको ये नहीं पता मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, मैं खाने की प्लेट लेके बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। तो वो ना करके सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं और उसको समझें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और बच्चों से जुड़े। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट था वो था व्यायाम। अब घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में व्यायाम कैसे करें, तो घर में भी व्यायाम किया जा सकता है। आप डांस कर सकते हैं, रस्सा कूद सकते हैं, ये बच्चों के लिए है। और योगा सबसे अच्छा, जो आपके स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता ही है, आपको आपका फोकस और कंसंट्रेशन और मेमोरी भी इम्प्रूव करता है, आपको एक स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। योगा हर कोई कर सकता है, 40 मिनट प्रतिदिन व्यायाम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 था पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक सोच। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ग्रेटिट्यूड डेवलप करें, थैंकफुलनेस, यानी जो हमारे पास आज मौजूद है नेगेटिविटी से दूर जाके, अगर मेरे पास खाना है टेबल पर, अगर मेरे सिर पर छत है, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ बैठे हैं, तो उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करें और लोगों की मदद करें। मदद करने के लिए हर बार आपको साधन या धन की आवश्यकता नहीं होती। एक अगर आपका दृढ़ विश्वास है कि आप मदद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कि आप मदद कर सकते हैं, और कभी कभी एक छोटी सी स्माइल वो भी लोगों को ये बताती है कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। लोगों की मदद करें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। उसके अलावा ना कुछ नई चीज़ सीखें। आजकल लर्निंग के बड़े सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे आप डांस सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं, आर्ट, क्राफ्ट, खाना बनाना, कुछ भी सीख सकते हैं। तो नई चीज़ें सीखें जिससे आपका मन जो है, आपका ध्यान जो है वो तनाव से डाइवर्ट हो सके। नंबर 4 था माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुल रहना, किसी भी एक्टिविटी को माइंडफुल तरीके से करना, अपनी 5 इंद्रियां या अपनी सारी सेंसेस को उस पर केंद्रित करना। तो ये था हमारा 5वां। और 6ठा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था रीचिंग आउट, यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, तनाव है, उदासी है, डर है, परेशानी है, तो अपने तक सीमित ना रखें, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने डॉक्टर से हमारे पास आए, हम जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। जब हमने इन 6 पॉइंट्स पे बच्चों को एनरोल किया, उनको ये हमने करने को दिया, ये सारी बातें उनके लाइफ स्टाइल में इंक्लूड की, तो हमने देखा इससे ऑलमोस्ट 90% चिल्ड्रन गॉट बेटर, उनको तनाव से मुक्ति मिली। तो मुझे लगता है मुझे 10:15 तक अपना तो मैं इसी को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूँगी। मैं पहले आपको थोड़ा सा, आजकल का एक नया कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बहुत पुराना है पर आजकल इसकी बहुत चर्चा है, माइंडफुलनेस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ माइंडफुलनेस, हम खाते कैसे, अगर मुझे खाना खाना है माइंडफुल तरीके से, मान लो मेरे सामने एक किशमिश का दाना पड़ा है और मुझे उसको माइंडफुली खाना है, तो मैं कैसे खाऊँ? तो सबसे पहले तो मैं टीवी और कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रह के एक स्थान, जो डाइनिंग टेबल है या खाने का जो स्थान है, वो डिसाइड करूँगी। वहाँ अपने सामने उसे
डाइजेस्ट करें। ऐसा करने से साइंटिफिक स्टडीज ने ये प्रूव किया है 99% लोग अगर माइंडफुली कोई भी एक्टिविटी है, तो मैंने खाने का बताया, नहा भी हम माइंडफुली सकते हैं, नहाते वक्त भी हम 10 चीज़ें सोच रहे होते हैं, आप पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, आप साबुन की खुशबू महसूस कर सकते हैं, आप साबुन की छाप को महसूस कर सकते हैं, सारी इंद्रियाँ अगर आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर केंद्र कर देते हैं 99% चांसेस हैं कि आपका मन शांत होता है, आपका चित्त शांत होता है, आप चिंता से दूर रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं। तो माइंडफुलनेस ही, और मेडिटेशन से मेरे टीनेजर जो बच्चे थे वो मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं कर पाए, उनको लगा मेडिटेशन तो बड़े लोगों की चीज़ होती है, तो बूढ़े लोग करते हैं ना, एक कमरे में बैठ के लंबी सांसें लेना। तो मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ के और अंधेरे कमरे में बैठ के और एक कैंडल को सोच रहे हैं और लंबी सांसें ले रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है, जब भी आपको समय मिले आप 5 मिनट के लिए अपने आप को शांत करके, सिर्फ बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ लंबी सांस लो, या जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, या अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, जो आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो, वो भी मेडिटेशन है। तो ऐसा करने से भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप बाकी सारी जो आसपास की जो तनावपूर्ण स्थिति है उससे दूर होते हैं। खाने में मैंने उनको बताया कि जैसे मैंने बताया कि हमने फूड पर बहुत ध्यान दिया, तो कुछ ऐसे हैप्पीनेस फूड्स हैं, आपको शायद आपने सुना होगा, कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स पे काम करती हैं और हमें खुशी देती है। उसमें है कोकोनट, कर्ड, मैंगो, आम, केला, बनाना, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको मतलब बाय देयर फोर्स ऑफ एक्शन दे गिव यू हैप्पीनेस। तो हमने बोला कि ये चीज़ें अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें, फ्रूट्स एंड नट्स और कोकोनट, कर्ड, योगर्ट, ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें, और अपने बॉडी के हिसाब से ना केवल अपना, अपने पेरेंट्स का भी एक डाइट चार्ट बनाओ। कभी कभी क्या होता है ना कि घर का माहौल ऐसा होता है कि हम पूरे घर का माहौल ऐसा होता है कि हम हमारा खाना ही उस तरह का होता है। जब हमें बच्चों के खाने को चेंज करना है, उसे बैलेंस करना है, तो एज अ फैमिली हमें चेंज करना होगा। अगर बच्चे को ये कहना है, बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें कहा जाए, बच्चे वो करते हैं जो वो करते हुए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा हेल्दी खाए और आप चाहते हैं कि आपके बच्चा एक्सरसाइज करे, तो आपको भी एक्सरसाइज करनी होगी, आपको भी अपने जीवन में एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देनी होगी। अगर आप दिन भर में अपने लिए 40 मिनट निकाल के, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कितना भी निकाल के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप क्या मैसेज देते हैं बच्चों को कि ये हमारे मतलब एक देह का पार्ट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, आवर एवरीडे रूटीन। जब आप बच्चों को ये बताएंगे तो ज़रूर वो इस चीज़ को समझेंगे और इसको इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ। अच्छा, और मैंने थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बोला था क्योंकि मुझे 10:15 तक ख़त्म करना था, और मैंने एक और चीज़ बीच में बोली थी, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी कभी आप भीड़ भाड़ वाले शहर में जब होते हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं, किसी अच्छा अनजान जगह पर होते हैं, और आप थोड़े घबरा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ, मैं किसी को जानती नहीं, तो अचानक से दूर से आप देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो हल्का सा मुस्कुरा रहा है आपको देख के, आपको ना थोड़ा सहारा होता है कि कोई है, कि अगर मुझे कोई यहाँ प्रॉब्लम हो गई तो मैं उससे जाके बात करूँगी, ऐसा हम सबने महसूस किया होगा। तो ये होता है हाउ टू हेल्प अदर्स, कैसे अपनी एक मंशा दिखाना कि मैं आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ। पिछले साल, इस साल भी ऐसे आपने पढ़ा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैंने ऐसी कई स्टडीज़ देखी हैं, कई अखबारों में आर्टिकल्स देखे हैं, हमारे टीनेजर्स, हमारे 18 से 25 साल के युवा लोगों ने कुछ ना होते हुए भी उन्होंने ऐसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बनाए, NGOs बनाए, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने एकजुट होकर लोगों के लिए काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि उन लोगों ने अपने जिसको कहेंगे ना पर्सनल गेन से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोचा, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, उनके पास ना पैसा था, ना साधन थे, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो लोगों की हेल्प कर पाए, लेकिन क्या था, एक ही चीज़ थी कि मुझे करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, और इस आइडिया से लोग जुड़ते गए, इसी को हम कहते हैं कि पीयर कनेक्शन, एक साथ जुड़ते गए, एक आइडिया को लेके वो आगे बढ़े और उन्होंने लोगों की मदद की, और ये हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। इससे पता चलता है कि ना केवल आप एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि एक आप जिम्मेदार नागरिक भी हैं, आपका समाज के प्रति कोई कर्तव्य है और
देखा और इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग उसे सीखें। फिर लर्निंग न्यू थिंग्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे दो ऐसे टीनेजर पेशेंट्स थे, एक तो ट्विंस हैं, उन्होंने एक हैप्पीनेस प्रेस शुरू की, उन्होंने इस कोविड के दौरान प्रेस की शुरुआत की अपने बलबूते पे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के आर्टिकल्स, पॉजिटिविटी से रिलेटेड आर्टिकल्स, किसी ने कुछ अच्छा किया उसको हाईलाइट करते थे, ताकि ये जो नेगेटिविटी का माहौल बना है ना, जहाँ हम सारा टाइम बस डेथ, बीमारी, कोविड, परेशानी, ऑक्सीजन की कमी और ये सब सुन रहे हैं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक प्रेस, हैप्पीनेस प्रेस जिसको उन्होंने नाम दिया, और उसमें उन्होंने आर्टिकल्स छापे और उन्हें अवार्ड भी मिला NDTV के अवार्ड्स में, दे गॉट अवॉर्डेड। एक और मेरी पेशेंट है, 14 साल की बच्ची है, उसने बेकिंग स्टार्ट की, बेकिंग सीखना शुरू किया और उसके केक को भी गुड़गांव के एक कॉम्पिटिशन में अवार्ड मिला। उसने किस तरह की क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, तो क्रिएटिविटी दिखाने से क्या हुआ कि उसका दिमाग उस नेगेटिविटी से दूर हो गया। तो जब हम नई चीज़ सीखते हैं ना, चाहे कोई लैंग्वेज ही है, वो सीखने से भी हमारा, हमें डिस्ट्रैक्ट ही तो करना है, ये दिमाग बहुत छोटा सा, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको डिस्ट्रैक्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में कर लेते हैं, छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में ले आएंगे, तो हम इस तनाव को, इस परेशानी को दूर कर पाएंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यहाँ एंड करना चाहूँगी, और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी आप सब लोगों का और प्रेमलता मैम जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सविता। आशा है जिन लोगों ने सुना और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की इस प्रेरणादायक बात को सुन के, बातों को सुन के, जरूर कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। और अब मैं प्रधान जी से कहूँ, अगला हमारे जो वक्ता है उनके बारे में प्रधान जी बताएंगे और हमारे साथ वो जूम में जुड़े। जैसा कि आप सभी YouTube में हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं और आचार्य वागीश जी एटा में रहते हैं और YouTube में वहाँ से लिंक बनाना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनका प्रवचन हमने Zoom पे रखा है। 10:20 से 11 बजे तक Zoom मीटिंग होगी और उस Zoom का लिंक आपको भेज दिया गया है। एक सुना साहब, यहाँ से भी जा सकता हूँ आपको, जो आपके फ़ोन है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दिया गया है, और अगर किसी को लिंक ना मिला हो तो वो मुझसे लिंक ले सकते हैं या जिन्होंने भी आपको भेजा है उनसे वो लिंक ले सकते हैं। 10:20 से हमारी Zoom मीटिंग प्रारंभ होगी और 11 बजे तक चलेगी। आचार्य वागीश जी उस मीटिंग में प्रारंभ करेंगे और आधे घंटे का उनका प्रवचन होगा और लास्ट के 5 मिनट आपका धन्यवाद करेंगे। अब मेरे ख्याल ये YouTube की मीटिंग यहीं पे भी समाप्त हो रही। आप सभी से प्रार्थना, कृपया Zoom पे लिंक बना लें, लिंक भेजोगे तो जो है जुड़ने वाले हैं और वो हमारे पास एक मिनट टाइम है, तो उनका लिंक अलग है ज्वाइन करने।
बोलना चाहेंगे कुछ? उमर जी, ये हमारी बहुत ही करुणा के दौरान सब इतने चिंतित हो गए कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। हम ये सोचते थे कि हम किसी की सेवा कर सकते, वो भी नहीं कर पा रहे थे। चारों तरफ से खाने पीने के लिए बहुत से इतनी बुरी बुरी मर रही थी कि लोग, कई बच्चे ऐसे होते थे कि वो भूखे रह जाते थे। मेरा बेटा किसी संस्था से ऐसे ही जुड़ा हुआ था, वो उसकी नौकरी अभी वो नहीं हो रही थी, छुट्टियाँ पड़ रही थी, लेकिन वो देख कर ना उसने भोजन बांटने का काम किया। उसके पास कई बार वो ऐसे देखते थे कि झोंपड़े में जाते थे, कई बच्चे ऐसे थे कि वो भूखे ही सो जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, वो खाना बांटने का ही काम करते थे। कई बच्ची थी ऐसी 6-7 साल की बच्ची थी, वो कहते कि मम्मी मैं गया और वो आया कि मेरा ऐसे पंख पकड़ के बोले भैया क्या आप मुझे भी खाना दे सकते हो? वो बोला कि हाँ बेटा मैं सबको खाना दूँगा। उसकी माँ बाप उससे छूट गए थे, वो फरीदाबाद था, वो वहाँ पर अकेली रोती थी। उससे पूछे कि मेरे मम्मी पापा क्या कहते, वो फरीदाबाद चले गए और मेरे यहाँ पर रह गए, उसको कोई ले जाने वाला नहीं। उससे बोला कि मुझको ले जाने वाला नहीं, कहते उसके पास पास था जुड़ जाइए।
आ गए आचार्य जी बैठ गए। आचार्य जी नमस्ते जी। अब हम सभी के समक्ष डॉक्टर आचार्य वागीश जी आधे घंटे के लिए बालकों और किशोरों के ऊपर जो मानसिक आर्थिक संवेगात्मक सामाजिक तनाव है उस पर प्रवचन देंगे आचार्य वागीश जी।
जिंदगी में हर कोई उतार सकता है, चाहे वो मंत्र है, इट्स नॉट अबाउट कि वो मंत्र ही होना चाहिए, चाहे वो प्रेयर है, चाहे वो किसी तरह की सेवा है, सेवा चाहे वो पशुओं की है, चाहे वो पौधों की है, चाहे वो बाहर किसी भी इंसान की है, ये चीज़ जिंदगी में आप लोगों को हमेशा ही हम्बलनेस, मतलब एक तरह से ज़िंदगी में आपको क्या बोलते हैं उसको, हम्बलनेस का मीनिंग मतलब विनम्र रहने की शक्ति देगी, और विनम्र आप रहेंगे तो आगे बढ़ने के लिए, मुझे नहीं पता सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, पर अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप से बहुत खुश रह पाएंगे। तो सबसे पहले दोनों शुरू करेंगे, विद्या और सिद्धार्थ, बोले मैं भी तुम्हारे साथ साथ, ठीक है, सब लोग हैं हम में से। और कैसे दूर किया, तो ये दूर करने के तरीके हम एक दूसरे से सीख लेंगे।
मिले ना मिले ये कोशिश करती कि वो यहाँ तक उसके पास तक पहुँचे और वो कोई भूखा ना सोए। ये सबसे पहले यही था कि भगवान सबको पेट भर के सुनाए, और जिसका ये था कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है या प्रेयर्स प्रेयर करती थी कि भगवान किसी को ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि मैं खुद मेरे हस्बैंड करुणा में थे। मैं अपने आप से पूछ चुकी थी कि करुणा में बंदे को किस किस तरह की परेशानी होती है, और ये सोचते हैं कि जो परेशानी मुझे हुई है मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, और जितनी मुझसे हुई मैंने होती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और एक काम ये था इनके लिए चैलेंज दूसरा जो मुझे लगा, ये शीतला माता मंदिर में जाती है, पर उस दौरान जा भी नहीं पाई होंगी तो शायद ये और ज़्यादा दिमाग में आ जाता ना कि बंद था तब। हाँ, वही मैंने घर पे ही प्रेम करती थी, जिससे भी होता था कि कोशिश जारी, हाँ कोशिश जारी है। बहुत अच्छी बात है कि आप एक किसी पर
इतना ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं कि जो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू इट, आई एम स्टिल लर्निंग, आई कैन नॉट डू दैट. तो इतना ज़्यादा विश्वास कि इतने किसी के मतलब उनके कहने पर आप हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं. और दूसरा इन्होंने बोला फैमिली में हवन है, हवन है या कोई भी छोटी चीज़ बोल रहे हो कि भाई परिवार को कनेक्ट रखा अपने साथ में, कि जितना बच्चों के साथ बातें करते रहो, उनकी छोटे छोटे फियर्स, हाँ यहाँ पे छोटी छोटी बात है, बच्चों के फियर्स इतने थे, उनकी सोच और बड़ों की सोच में बहुत मुश्किल था. ये तो मेरे घर का ही एग्जाम्पल है, मेरा भतीजा, उसके लिए ये लगा कि ये सज़ा है. द लाइन बातों बातों में उसके मुँह से निकली कि आप दादी ने बोला कि तो मेरे लिए मौज है, उनके लिए सब परिवार बैठा है, खाना खा रहा है, दे वर हैप्पी, और मेरे भतीजे ने बोला हमारे लिए तो सजा है. एंड दिस वॉज ए लिटरली कंट्रास्ट. एक छोटा बच्चा इस माहौल को सजा सोच रहा है और एक बड़ा बच्चा मौज करके वो तो इंजॉय कर रहा है. पर इसका मतलब मेजर प्रभाव जो पड़ने वाला है उस छोटे बच्चे की लाइफ में, अगर हमने उसको अभी नहीं सॉल्व किया, जिसको कि बोलते हैं वो ट्रॉमा उसको लग गया है, वो सज़ा सोच रहा है, और सज़ा को अगर वो अब हम दबा दें, हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कर रहे, ये हर बीमारी हर कष्ट उसके लिए एक तरह से सजा बन जाता है. ये सोच कर, बिकॉज थोड़ी सी नॉलेज है साइकोलॉजी की, ये सोच के मैंने फिर अपने घर पे हम सब लोग लग गए. अब हमने उसका धीरे धीरे जा कर के वो फियर को कम किया कि ये सज़ा क्यों कह रहा है. हमने ये नहीं डिनाई किया कि ये सज़ा नहीं है, नहीं है, ये नहीं कहना है, मतलब कुछ चीज़ें बच्चों को उनके तरीके से समझानी पड़ती है. उसको फिर हम धीरे धीरे घर के दरवाजे तक ले गए, नहीं जा रहा था, फिर थोड़ा सा और बाहर लेके गए एक गली के एक नुक्कड़ तक कि निकलो निकलो निकलो, सो दैट एक स्टेज, उसको टाइम लगा 15-20 दिन लगे, जबकि पर यह था सारा परिवार साथ में लग गया. और यही आज एक मेंटल हेल्थ में बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, फैमिली थेरेपी. हमारे पास आ जाते हैं पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास, मेरे पास, मैम के पास, डॉक्टर सविता के पास, दे ऑल आर कमिंग. प्रॉब्लम अवेयरनेस हो गई है, बट जहाँ तक हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, शी ऑल्सो फेसेस द चैलेंज. हम भी चैलेंज फेस करते हैं कि बताएं किसको, पूरा परिवार ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ अपने इशू हैं. जब माँ बाप अपने इशू ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो इस डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि माँ बाप के भी तो इशूज़ हैं ना, वो भी तो डर गए, पैसा नहीं है, अब प्रायोरिटी पैसे की थी, खाने की थी, मेंटल हेल्थ तो बैक ऑफ द माइंड. जबकि अगर ये मेंटल हेल्थ फ्रंट पे आ जाए तो ये पैसा क्या और ये क्या, ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक लेवल पे सिमट जाएंगी. ये जो आजकल रैट रेस चल रही है ना, मैं उससे ऊपर, तो शायद उसका कहीं पे विराम लग सके. हाँ जी, आप पहले, तो मैं पहचान भी नहीं पाई. इंट्रोडक्शन हमारे साथ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा बेटा इस कोविड में आया, उसने 100% टाइम हमारे पास स्पेंड किया. एक्चुअली ही इज इन आर्मी एंड ही इज कैप्टन एंड ही इज गोइंग टू बी मेजर. दैट्स व्हाई ही कम्स एंड गोज एवरी टाइम विद ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स. दिस वाज द टाइम व्हेन ही स्पेंड 100% टाइम विद अस एंड ही आल्सो टेक ऑफ हिज फादर आल्सो. सभी को नमस्कार. मैं जैसे आर्य समाज सेक्टर 4 से बोल रहा हूँ और सीनियर सिटीजन्स फेडरेशन है हमारा गुड़गांव की, उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आर्य समाज सेक्टर 4 में मैं ऊपर हूँ. इस दौरान जो मेन प्रॉब्लम आई है, पिछली बार तो हमारे आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से और सीनियर सिटीजन के प्लेटफॉर्म से हमने राजीव चौक पे भी कम से कम 12-14 दिन खाने की व्यवस्था की थी. पहले तीन दिन तो हमने खाना रूटीन में ही रखा था,
पतीलों में खाना लेके गए थे और थाली में जो भी आता था ले। एक्सपीरियंस ये किया कि उन लोगों को ये बहाली हो। उसके बाद पैकिंग का खाना दिया। 8 लोग थे इस सारे ग्रुप में, जिसमें से 3 को प्रॉब्लम। 15 दिन हमने उसको बंद कर, क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन थे, सबकी एज 60 से ऊपर थी, सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जो यंग थे। इस कोरोना काल के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने पैकिंग बनवाई 2 बार, जिसमें 20-30 लोगों से ज़्यादा हम नहीं पाते। व्यवस्था ज़्यादा नहीं थी हमारे पास, धन की भी ऐसे था कि ज़्यादा लोगों से कंटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 3-4 दिन के बाद बच्चों ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी हेल्प हो पाई, क्योंकि जो डिस्करेज हो रहे थे, जिनको हो रहा था, डॉक्टर सविता और डॉक्टर चौधरी ने बहुत हेल्प की। कम से कम 18 से 20 लोग ऐसे थे जिनको प्रतीक्षा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टर साहब कहते थे मेरे हाथ खड़े हैं बेटा, अब कहना मत। ऐसा केस आ जाता था कि रोना आ जाता, और फिर डॉक्टर साहब भी हेल्प करते। कई बार तो ऐसा था 3-3 दिन 4-4 दिन हमें वेट करनी पड़ी। तो एक केस तो ऐसा आया कि डॉक्टर साहब ने कहा देखो सीधी सी बात है, मेरे पास ऑक्सीजन का बिल्कुल प्रबंध नहीं, अगर ये अपनी ऑक्सीजन प्रबंध कर सके तो मैं एडमिशन कराऊँ। 40 लोगों का बैग था, 53 लोग ऑलरेडी दाखिल थे, 54वां ये आदमी था जो कि 2.5 घंटे एम्बुलेंस के अंदर पड़ा ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसे ऐसे सीनियर सिटीजन, उनके फैमिली मेम्बर, क्योंकि पता लग जाता है कि भाई ये वहाँ डॉक्टर साहब कर सकते हैं, तो बार बार प्रेशर आता था। हमारी भी एक लिमिट होती थी कि भाई अब डॉक्टर साहब के साथ मैं अकेला तो नहीं जुड़ा हूँ, उनकी अपनी फैमिली है, उनके और लोग हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस इस बार रहा बहुत दुखदायी था, लेकिन सबसे बड़ा शुक्र ये है कि सिर्फ 2 लोगों के अलावा जो कि दिल्ली में एडमिट कराए थे, वो भी इन्फ्लुएंस थे, वो वापस नहीं आ सके। बाकी जितने भी लोग हमने वहाँ पर प्रतीक्षा भेजे, वो सभी के सब सुरक्षित हैं। हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी भी कुछ लोगों की, 4-5-6 लोग ऐसे हैं जिनका भी फोन आता है कि डॉक्टर साहब से पूछो, अभी भी मन के ऊपर ऐसा भार है जैसे 15 किलो का किसने वेट रख दिया हो। इस तरह की प्रॉब्लम अभी लोगों को आ रही है, बहुत नज़दीकी लोग हैं। अब उनकी एज ऐसी है तो डॉक्टर साहब को बार बार फ़ोन भी करते हैं, वो हेल्प भी करते हैं। डॉक्टर साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा रही हमारी लाइफ में, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन लोगों की लाइफ में, कि हम उनका शुक्र अदा किसी तरीके से कर ही नहीं सकते। वो लोग आयुष्मान से जुड़े हुए हैं या सीनियर सिटीजन हैं, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म से हमें इस बार डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा हेल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस। नाइस टू नो दैट कि डिफिकल्ट टाइम में लोग जुड़े आपस में और जिस को भी किसी तरह से भी हेल्प कर सकते थे कोशिश कर। आप आंटी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सर ने कह दिया। वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर चुकी हूँ, एक अंतिम बात और कहना चाहते हैं। जैसे आपने बोला जैसे आपने बोला कि आपका बेटा आपके साथ रहा, बच्चे इस समय परिवार, जैसे सुनीता ने बताया कि उसको लगा कि मेरे लिए सजा है। मैं पेरेंट्स को एक छोटा सा संदेश देना चाह रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी जा रहा है। इस समय ना डिसिप्लिन को पॉकेट में रखो, ओवर डिसिप्लिनरी एटीट्यूड ना रखिए, बच्चों के साथ जुड़ो। मेरा एक 13 साल का पेशेंट है, उसने कहा कि मैम मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकती है। कोरोना में मुझे पता चला क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के साथ टाइम बिताया। तो जब हमें पता ही नहीं, हमें अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता, माँ बाप को बच्चों के बारे में नहीं पता। Exactly. तो ये वो टाइम था जब सारा परिवार एक साथ था, बाय डिफॉल्ट कह लीजिए, एक परेशानी कह लीजिए, लेकिन इस स्थिति को अच्छे अवसर में कैसे बदलना है ये हमें ही सीखना है। अपने बच्चों के साथ जुड़ो, रेस्ट और रिलैक्सेशन स्ट्रेस को दूर करता है, मनोरंजन के साधन ढूंढो, एक साथ बैठ के लूडो खेलो, मैंने खेली लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, जितना हो सके बच्चों के साथ जुड़ो। अगर बच्चों के साथ जुड़ेंगे तो वो अपने मन की बातें जो फ्रेंड से नहीं कर पा रहे ना, तो वो आपसे कर पाएंगे, आप में वो अपना दोस्त देखेंगे और उनका तनाव कुछ कम होगा। तो ये डिसिप्लिन को छोड़ के और
एडिंग ऑन टू दिस, कई बार हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि कैरम खेलो ये खेलो, पर जब घर में खेलने लगते हैं ना कैरम, दो दिन खेलने के बाद नहीं खेलो, दो दिन खेलने के बाद लूडो नहीं खेलो, मैं उसके बाद बैडमिंटन पे आ जाओ, उसके बाद क्रिकेट पे आ जाओ, सब टाइम माइंड है वो इवॉल्विंग, बट बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. प्रॉब्लम विद अस इज दिस इज वी आर जो हम लोग एजुकेटेड है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस एंड डू दैट, बट 80% ऑफ द इंडिया इज स्टिल इन द टाउन एंड रूरल एरिया, जहाँ के पेरेंट्स के मदर इन लॉ और हस्बैंड के इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट हो गए हैं कि वो बच्चों के साथ बात करें. इन दैट सिचुएशन आई फील ही स्मॉल स्मॉल थिंग, एक छोटा सा एग्जांपल है मैं दे रही थी, जब हम यहाँ टॉक कर रहे थे तो शी वॉज गेटिंग रेस्टलेस. तो अब ये है कि प्यार मोहब्बत में बैठ जाए पूनम जी के भाई आजा बेटा मैं ये करती हूँ, शी वॉज लाइक के हाँ तो बैठ जा, ये टाइम है तो बैठना है तो है. सो समटाइम्स डिसिप्लिन along with love, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं कि you just let loose, yeah, एक एक framework रखिए, वो लेकिन discipline बहुत over discipline ना रखिए, over in excess of everything, right, there is strong person to person, आप डर बोल रहे हैं, रानी जी बच्चों, हाँ, डर है, डर, डर पहले से डरे हुए हैं, सपने में उनको covid नजर आता है, बताओ करें क्या, मतलब डर से दूर करें, डर दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हमें वो मास्क पहनवा देते हैं कि आप पहनो बाहर चलो चलो. टाइम इज ऑल्सो रनिंग शॉर्ट, थैंक यू सर फॉर मेन क्या कहते हैं सोशल सर्विस करके. ओह सो स्वीट, थैंक यू. और अनिल मैडम
बहुत अपने बारे में बताते नहीं हैं, इन्होंने रेगुलर योगा किया और इतने क्या कहते हैं कोरोना की महामारी के बीच भी ये बिल्कुल स्वस्थ रहे, भगवान को लंबी उठाए। और पूनम क्या कहते हैं अंजू जी और आपका रहे आपका सबसे लास्ट में फाइनल कंक्लूजन रिमार्क और नाम का भी एक्सपीरियंस कर गया नहीं था अंजू आज फोटो मैम आप भी आ जाओ उसमें ले के ले जा मैम आप आ जाओ मैं ले लेती हूँ आप इधर मैं तो हमने पहले से कुछ लाइट है बंद स्थिति हमारे लिए लेके आया लेकिन हमें जीने की कला भी सिखा दी।
क्योंकि प्रत्येक तस्वीर के दो पक्ष होते हैं, एक धूमिल पक्ष होता है, एक सफ़ेद पक्ष होता है। तो हमें अब हम अंधा गुम दौड़ में संसारिक में इतना डूब चुके थे, तो भगवान ने एक दिन झटका मारना ही था, और ऐसा झटका मारा कि लोगों ने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने सोचा कि हम क्या हैं। बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, दो मिनट में चले गए, और बिल्कुल कोई भी दवाई, कोई उनका धन संपत्ति पैसा, उनकी जो शोहरत थी वो उनको बचा नहीं पाई। हमारे एक पत्रकार थे रोहित चौधरी जी, बड़े दबंग से थे और बार बार कहते थे कि मास्क क्यों पहनना है, मास्क क्यों पहनना है, हमारी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और ऑल ऑफ ए सडन उनको कोरोना हुआ और थोड़ी देर में वो चल बसे। इसी प्रकार बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे कलाकार, फिल्म स्टार, आम जनता, पता नहीं लाखों लोग। मैं तो मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, कोरोना से नहीं हुई, नॉर्मल डेथ हुई। जब मैं शमशान में गया तो मैंने उससे पूछा ये क्या था, वो ये कह रहा है शमशान वाला कि हमारे पास 44 डेड बॉडी जलाने की व्यवस्था है, लेकिन 171 डेड बॉडीज आ जाती थी, जबकि गुड़गांव का आंकड़ा बताता था कि यहाँ पे कोरोना से मृत्यु 15 हुई, 20 हुई, 25 हुई पूरे ज़िले में, लेकिन एक जो मदनपुरी वाला शमशान घाट है उसके अंदर 171 डेड बॉडीज एक दिन के अंदर, जहाँ जगह नहीं थी वहाँ भी जलाई गई, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता था। इससे ऐसा लगता है, अभी माननीय दुरेजा जी बोल रहे थे, डॉक्टर सविता जी आई थी, उनके कजन्स हैं, डॉक्टर थे रविकांत दुरेजा और उनके सगे भाई छोटे उमाकांत दुरेजा, दोनों भाई दो दिन के अंदर कोरोना से उनकी डेथ हो गई, शुक्री में रहते थे, इनके चाचा थे हमारी डॉक्टर सविता चौधरी। तो ऐसे हमारे यहाँ पीछे लड़की पढ़ती है, नारंग साहब की बेटी, पहले उनके फादर जय भारत मारुति में काम करते थे, 48 ईयर्स की एज थी, उनका देहांत हुआ और 10 दिन बाद उनका बेटा 18 साल का, वो भी निकल गया। कहने का मतलब ये है कि इस कोरोना में मेरे एक बड़े नज़दीकी मित्र हैं ललित अरोड़ा जी, उनकी वाइफ तो पहाड़ों की है, बहुत स्वस्थ थी और उनका भी अचानक पता नहीं चला। तो ये कैसी बीमारी थी, हमें आगे भी सावधान रहना चाहिए, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए, घरों में लोगों को जहाँ तक हो सके जो बहुत ज़रूरी बहन बेटियाँ हैं उनको आने की अनुमति दें, अवॉइड करें ज़्यादा ज़्यादा, तब जा करके जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी पता चल जाएगा तब हम लिबर्टी ले सकते हैं। अभी थर्ड वेव भी आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है, तो हमें ये सावधानी बनाए रखनी चाहिए। आप सभी का आर्य बाल कल्याण केंद्र की ओर से धन्यवाद, आप सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जो लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े उनका भी धन्यवाद, और विशेषकर आचार्य बागी जी का जिन्होंने एटा से बैठ करके हमें बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया, आप सभी का धन्यवाद। और खन्ना जी जो सुबह 8 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं, और ये सारा निशुल्क कार्यक्रम है आज का, इस कार्यक्रम के 18,000 रुपए इनकी फीस होती है अगर शादी वगैरह पे आपे जाए तो हम इसके लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि जहाँ डॉक्टर प्रेमलता कृष्णन जी आती है मैं वहाँ पैसे नहीं लेता हूँ, तो ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। तो खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुबह 8 बजे के एक फोटो तो आपकी बन रही है, कैमरे के पीछे और आगे भी आप फोन कर दो, सबको बता दो, ये मेरे को बता दो।